नाउ हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज विद द न्यू सिलेबस. ठीक है, ये काफी सारे क्वेश्चन है जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं बार बार कि मैम ये कैसे नया सिलेबस करें, कितने दिनों में करें, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्लान. तो मैंने आपके लिए पूरा रोड मैप बनाया फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं. अब इन चैप्टर्स को कितना टाइम देना, कैसे पढ़ना है, ये आप देखिए. वन शॉट मीन्स वन डे, आपको इन चैप्टर को सिर्फ एक दिन एक वन शॉट देना है. ठीक है, वहीं पे मीडियम वालों को 3 दिन देने हैं और जो हाई वेटेज वालों ने 6 दिन देने. आपके 6 दिन तो बहुत ज्यादा है. अगर भाई अभी दोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसकी लाइन टू लाइन पढ़ोगे, अपने नोट्स पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो 6 दिन लग जाएंगे. और हमें अभी भी, हमारे पास टाइम है सिलेक्शन के लिए, तो मुझे लगता है अभी हमें पूरी शिद्दत से पढ़ना चाहिए, पूरी मेहनत से पढ़ना चाहिए. एंड वी शुड अवॉइड कि भाई कोई भी कंफ्यूजन हो. ठीक है, तो इसलिए परफेक्ट है. तो जैसे कि हमें क्लास 11th का आप देखोगे, तो इस स्लाइड पे मैंने क्लास 11th का लिखा हुआ है. तो ऐसे जो चैप्टर वन डे वन शॉट में करने हैं आपको, उसमें पहला है लिविंग वर्ल्ड, यू हैव कॉकरोच, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड न्यूरल सिस्टम. खेलने को ये चैप्टर बहुत बड़ा था, बट सिंस इसका पीछे का हिस्सा कर चुका है, तो आगे का हिस्सा एक दिन में आराम से हो सकता है. अब आते हैं ऐसे चैप्टर जिन्हें हमने 3 दिन देने हैं, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 क्वेश्चन, 2 से 3. ठीक है, फर्स्ट 2 डेज थियोरी पढ़ेंगे आप लोग. ठीक है, उसके बाद 1 डे एक्सक्लूसिवली यू हैव टू गिव फॉर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस आपको देनी और करनी बहुत जरूरी है. फिर आते प्लांट किंगडम, फिर मॉर्फो, एनाटॉमी, सेल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स एंड रेस्पिरेशन वाला चैप्टर. इन चैप्टर्स को आपने मात्र 3-3 दिन में कंप्लीट करना है, 2 दिन फॉर थियोरी एंड 1 डे फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, फिर आते हाई स्कोरिंग चैप्टर, जिसमें आपका मैंने टॉप पे एनिमल किंगडम लिया है. 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं बिडू, यस आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने टॉप पे लिया एनिमल किंगडम को. फिर है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी भी इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, यस काफी क्वेश्चन. फिर है हमारा इसमें ब्रीदिंग वाला चैप्टर, फिर हमारा सर्कुलेशन, फिर हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. आप कहेंगे मैम केमिकल को इतना टाइम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट भी बहुत आते हैं, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है. ठीक है.